बल्ला किचन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम एक अलग सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि है हमारी चिली इडली। कि अब ये चिली पनीर तो हमने सुना है, अब ये चिली इडली क्या है? ये हमारी कुछ बची हुई इडलियां हैं जिसको हम एक ट्विस्ट देने जा रहे हैं। अक्सर जब हम इडली बनाते हैं तो अगर हमारी बच जाती है तो जनरली हम उनको फ्राई करते हैं या फिर हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। चलिए ये बची हुई इडली से हम कुछ अलग सा बनाते हैं चिली इडली। यहाँ पे मेरी कुछ बची हुई इडलियाँ हैं जिसको मैंने टुकड़ों में कर लिया। आप कोई भी शेप में इनको काट सकते हैं। और ये रखी हुई इडली ज़्यादा अच्छी लगेंगी, इसको आप अगर बची हुई हैं तो आप फ्रिज में रख दें थोड़ी देर। ये देखिए मैंने इनके टुकड़े कर लिए हैं। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर पाउडर और हल्का सा गीला हाथ में पानी लेके इसको मिक्स कर दूंगी ताकि ये जो कॉर्नफ्लोर है ये अच्छे से इडली पे कोट हो जाए। हल्का सा हाथ गीला किया और इसको मैंने अच्छे से इडली को कोट कर लिया। अब 2 मिनट के लिए इसको मैं रख दूंगी ताकि ये अच्छे से कॉर्नफ्लोर एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए अच्छे से ये कोट हो गया है इडली के ऊपर। अब हम इसको या तो डीप फ्राई कर सकते हैं या शैलो फ्राई कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे अदरक चॉप्ड की हुई ली है, लहसुन ये 3-4 कलियाँ हैं, ग्रीन चिली जिनको मैंने स्लिट कर लिया है, अनियन है जिसको मैंने बोड़ा काट के और उनको अलग अलग कर लिया है जैसे कि हम चिली पनीर में डालते हैं। साथ ही यहाँ पे कैप्सिकम ली है, ये ग्रीन, येलो और रेड। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी सब्जी को ऐड भी कर सकते हैं। स्प्रिंग अनियन ये हमने ग्रीन पार्ट को जो लीव्स हैं उनको बारीक चॉप कर लिया है और साथ ही हमने वाइट को भी बारीक चॉप कर लिया है जिसको हम अपनी इडली में साथ में डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच तेल लिया है। जब ये गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें इडली डाल दूंगी। यहाँ पे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई में बहुत ही ये क्रंची रहेंगी, शैलो फ्राई में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप इसको अगर कंटिन्यू धीमी आंच पे रखेंगे तो ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा और हम इसको बंद कर देंगे। शैलो फ्राई करने में हमें 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, डीप फ्राई हमारी ये जल्दी हो जाती है। ये देखिए थोड़ी ब्राउन हो गई है, थोड़ी सी ये हमारी टूट गई है क्योंकि मैंने इनको शैलो फ्राई किया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली और 2 से 3 चम्मच केचप लिया है, टोमेटो केचप। इसको अच्छे से मिक्स करके हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब एक पैन में हम तेल डालते हैं। अब हम उनको ये सारी चीज़ें फ्राई करनी है, डीप फ्राई नहीं करनी है, बस जैसे हम शैलो फ्राई करते हैं जैसे सब्जियां डालते हैं वैसे ही डालनी है। अब तेल गरम हो गया है तो मैंने उसमें लहसुन और अदरक डाल दिया है। इसको करीब मैं आधा मिनट भूनूंगी। आधा मिनट भूनने पे जब रॉ स्मेल निकल जाएगा इसका तब मैं इसमें ग्रीन चिलीज डाल दूंगी। अब मैंने ग्रीन चिली डाल दिया है, ग्रीन चिली को भी करीब मैं आधा मिनट भूनूंगी। और अब इसमें हम अनियंस डालेंगे। हमें बहुत ही ओवर कुक नहीं करना है, जो वेजिटेबल की क्रंचीनेस है वो हमें मेंटेन रखनी है। थोड़ा सा अनियन भूनने के बाद फिर हम अपनी अपने कैप्सिकम्स तीनों जो हमने काटी है वो डाल सकते हैं। आप इसमें कैरेट्स, बीन्स ये भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। और ओवर कुक वेजिटेबल्स को बिल्कुल नहीं करना है ताकि ये वेजिटेबल्स हमारी ऐसे ही क्रंची बने रहे। अब हम इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। 1 से 2 मिनट ही हमको इनको करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है वेजिटेबल्स को।
अब साथ ही हमने यहाँ पे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च डाल दी है। यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इडली में मेरे नमक है और साथ ही सॉस में नमक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा नमक नहीं डाला है। अभी मिक्स होने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया है उसको डाल के हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये पेस्ट डाल के अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस धीमी कर दी है इस वक्त ताकि ये जलने ना लगे। और अब हम इसमें अपनी जो इडली फ्राई की हुई थी वो मिक्स करेंगे। थोड़ी सी इडली यहाँ पे मेरी टूटी हुई है क्योंकि मैंने इनको शैलो फ्राई किया। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो वो इडली ऐसे की ऐसी ही रहेगी। जैसे आपको चिली पनीर में पनीर के टुकड़े दिखते हैं वैसे ही इडली रहेगी। बस अब हमारी रेसिपी रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और शेयर करें। इसको मैंने गार्निश कर देती हूँ यहाँ पर स्प्रिंग अनियन के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।